नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। हाल ही में फैब फोर क्रिकेटरों में शुमार जो रूट ने इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम से अपनी कप्तानी छोड़ दी थी, जिसके बाद से लगातार क्रिकेट फैंस को इंग्लैंड के नए टेस्ट कैप्टन का इंतजार था। ऐसे में अब हाल ही में एक अंग्रेजी वेबसाइट की ओर से आई खबर के मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने इंग्लैंड टीम के नए टेस्ट कैप्टन के रूप में जो मैं बेन स्टोक्स को मंजूरी दे दी है, वहीं साथ साथ गैरी कस्टन को इंग्लैंड टीम के नए कोच के रूप में भी मंजूरी दे दी गई है। गैरी कस्टन वही है जिन्होंने भारतीय टीम को दूसरा विश्व कप यानी कि 2011 विश्व कप जिताने में अहम योगदान दिया था। इसके अलावा अगर हम स्टोक्स की बात करें तो स्टोक्स को इंग्लैंड का नया टेस्ट कैप्टन बनाने में कई इंग्लैंड के पूर्व कप्तानों ने भी अपनी राय दी थी। इसमें बात करें तो माइकल वॉन, नासिर हुसैन और माइक अथरटन जैसे कप्तान शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम जो रूट की बात करें तो जो रूट ने हाल ही में इंग्लैंड टीम की टेस्ट कप्तानी छोड़ दी थी। इसकी बड़ी वजह यह रही कि पिछले एक डेढ़ साल में अगर हम सिर्फ टेस्ट में ही रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी ख़राब रहा है। यही वजह है कि वो इंग्लैंड की टीम पॉइंट्स टेबल में भी WTC की पॉइंट्स टेबल में भी सबसे नीचे यानी कि 9वें स्थान पर है। आपको बता दें कि जो रूट की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम एशियस में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 4-0 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारी थी। तो वहीं वेस्ट इंडीज़ दौरे पर गई हाल ही में इंग्लैंड की टीम में इंग्लैंड की टीम को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब ये देखना होगा कि इंग्लैंड के अगर बेन स्टोक्स नए कप्तान बनते हैं तो उनकी कप्तानी में इंग्लैंड का कैसा नया प्रदर्शन रहता है, साथ साथ आने वाले मैचों में इंग्लैंड की पूरी टीम कैसा प्रदर्शन करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें।